वक्त हम खड़े हैं जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र के गांव सुढ़ार सालाबाद में। सुढ़ार सालाबाद में रहने वाले एक किसान, युवा किसान अंकित पटेल ने वो कारनामा करके दिखाया जो बुंदेलखंड की धरती पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। चंदन के पेड़ की उन्होंने खेती की है। चंदन, वो 20 कीमती चंदन जिसके बारे में वही कहा यह जाता था कि ये बुंदेलखंड की सूखी धरती पर बमुश्किल होगा, लेकिन इसके लिए उन्होंने बाकायदा रिसर्च की, उसके बाद प्रशिक्षण लिया और कानपुर जाकर उसकी पौध लाकर इसका रोपण भी किया है। और आप देख सकते हैं ये चंदन, ये सफ़ेद चंदन है। और उनका अंकित जी का कहना ये है कि इन्होंने चंदन के 400 पेड़ लगाए हैं, जिसमें से ये 300 पेड़ ये सफ़ेद चंदन के हैं, पेड़ लाल चंदन के हैं। अंकित जी से हमने बात की तो उनका कहना ये था कि उन्होंने साथ साथ दो बेशकीमती पौधे और लगाए हैं, वो है महोगनी। महोगनी यानी विश्व का दूसरा सबसे महंगा पौधा महोगनी। और महोगनी जो है विश्व का दूसरा सबसे महंगा पौधा, उसके बारे में कहा यह भी जाता है कि दो साल तक इसमें घुन नहीं लगता। पानी के जहाज़ों में, युद्ध पोतों में, जो जलपोत होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही शस्त्रों के जो बटे होती हैं उनको बनाने में भी इस महोगनी का उपयोग होता है। कहा यह भी जाता है कि महोगनी के पेड़ के 20 मीटर तक आसपास मच्छर कहीं दिखाई दूर दूर तक नहीं देता। और दूसरी बात कि जब ये पेड़ बड़ा होता है तो इसका जो फल निकलता है वो फल कैंसर जैसी घातक बीमारी में भी काम आता है। और साथ ही उन्होंने कैजुरीना, एक औषधि पौधा है, वो भी लगाया हुआ है। कैजुरीना के बारे में भी बताया कि ये कई दवाओं में प्रयोग होता है, यानी कि बुंदेलखंड की सूखे धरती पर इस तरीके के औषधि पेड़, फलदार पेड़ और ये चंदन के पेड़ लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंकित पटेल एक युवा होने को करके दिखाया है। इस संबंध में जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना ये था कि उनकी एक एकड़ में लागत 80,000 रुपये की लगभग आई है, और 10 से 15 साल बाद जब पेड़ बड़े होंगे, अपने आप पे होंगे, तो इनकी वैल्यूएशन अगर आज मौजूदा वैल्यूएशन देखी जाए तो कम से कम 5 करोड़, और अगर वैल्यूएशन बढ़ती है तो ये बढ़ के कम से कम तक जा सकती है। आप सब सुन रहे हैं, यानी कि एक एकड़ में लगाई हुई इनकी खुद की पूंजी 10 से 15 साल के बीच में कई हजार गुना बढ़ रही है। बुंदेलखंड में किसानों के लिए, युवा किसानों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो ये कहते थे कि बुंदेलखंड में कुछ भी नहीं होता है, यहाँ से लोग पलायन करने लगे थे, उस बुंदेलखंड में आज इन्होंने एक मील का पत्थर रखा है। निश्चित तौर पर ये बधाई के पात्र हैं, और मैं तो ये चाहूँगा कि इस बुंदेलखंड का हर किसान इस नई क्रांति को जो है। क्या नाम है आपका? दीवान सिंह। दीवान सिंह किस गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के हैं मैं, पर सुढ़ार साल। अच्छा, आपके गांव में एक लड़के ने चंदन के पेड़ लगाए हैं, तो क्या वाकई में सच है? सच है। कितने पेड़ लगे होंगे? खेती करें मतलब दो चार पाँच बीघा में हुए। अच्छा अच्छा, आप भी किसान हैं तो क्या आपने कभी सोचा था कि इस गांव में कोई चंदन जैसे खेती कर पाएगा? हमने सोचा ना कि हम जानते कि चंदन लेने खेती में वो तो जाने कहाँ से माने लिया, उसकी वहाँ लगा दें पर पेड़ ही सब बरकरार हैं। तो कहीं ना कहीं एक नई उपलब्धि भी है और लोगों के लिए संदेश भी है। हाँ, लोग जाते हैं टहल है ना जी, तो बाकी खुशबू भी बढ़िया उन्होंने जाते देखिया हुआ हमें रास्ता मिला था। क्या नाम भैया आपका? हिमांशु पटेल। हिमांशु पटेल वैसे नाम है और गांव में लोग अंकित के नाम से जानते हैं। अच्छा अंकित जी, हमें आप एक बात बताइए कि आपने बुंदेलखंड की इस धरती पर जहां सूखे की धरती है, अकल्पनीय होता कि चंदन के पेड़ की खेती करना, तो आपने चंदन के पेड़ की खेती कैसे, आपके दिमाग में ये आइडिया आया और कहाँ से आपने ये सब व्यवस्थाएं की, बताएं जरा। सर जी, सबसे पहले हमको मतलब जो जॉब थी मतलब पिताजी ने करने नहीं दी, और उसके बाद घर में अकेले थे माता पिता और बाबा भी अकेले थे। उसके बाद पिताजी बोले घर पे रहो चाहे जहाँ पढ़ो और घर की खेती करो। तो हमने ये सोचा कहीं ना कहीं रुपए कमाने से सिस्टम हमारा प्रकृति सुंदर अच्छा हो जाए, मतलब गांव में लोग जाने कि क्या होता है, किसकी खेती करें। अपने यहाँ तो यही होता है कि मटर तो मटर ही मटर सबने बोली। आज के 5 साल पहले मूंगफली लाए थे तो बराबर मूंगफली हो रही। कोई हटके खेती नहीं करना चाहता, भीड़ में चलोगे तो गिरोगे। कुछ अलग करना, आज हम अलग करेंगे तो कल दूसरा भी लगाएगा। लोग बोलते थे कि चंदन किसी को बताना नहीं, चोरी हो जाएगा। अब हमने ये किया, हमने सारे लोगों को बता दिया, हमने किसी को नहीं छुपाया, क्योंकि आज हम लगाए कल वो भी लगाएंगे। तो चंदन के पेड़ आप कहाँ से लाए थे, कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई है, किसने आपको ये प्रेरणा दी कि आप इसकी खेती करें, या मतलब आप
चंदन की खेती हमें नितिन पटेल थे वो चंदन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं गुजरात के जी। उन्होंने हमको दी है कि चंदन भी लगाओ और बुंदेलखंड की भूमि में सबसे अच्छा चंदन होगा, उसका तेल है वो बहुत अच्छा पाया जाएगा। तो आपने सबसे पहले पौध कहाँ से लाए थे, कितनी लागत आई है एक, एक, एक उसमें एकड़ में, और कुल कितने पेड़ आपने लगाए हैं? हमने एक एकड़ में पौध जो मिली है वो हमें कानपुर से वो एग्रोफास्ट नाम से है उससे ली है, एग्रीकल्चर एग्रोफास्ट वो CSA के पास है कानपुर में। और जो पौध आई थी वो एक एकड़ में हमारे 1200 टोटल पेड़ लगे, जिसमें 300 पेड़ सफ़ेद चंदन के हैं, 100 पेड़ लाल चंदन के हैं और 100 देसी नीम है, 300 मीठी नीम है, और वो हमने चंदन के अलावा 50 पेड़ लगभग नींबू के लगाए हैं। अच्छा, तो एक एकड़ में आपकी कुल लागत कितनी आई है? एक एकड़ में हमारी लागत मात्र 80,000 रुपए आई है। अच्छा, आपको क्या अनुमान है कि जब ये चंदन के पेड़ कितने साल में बड़े होंगे और कितने रुपए मूल्य के हो जाएंगे? सर जी, इसकी लागत सर जी मतलब अब तो एक बार लागत लगी, अब टोटल जैविक हो रही है जी, अब जैविक की तरह इस एकदम अग्रसर हो रहे हैं, कुछ साल में सर जी उसका लाइसेंस भी लेंगे जैविक का, अगर 3 साल हम वो खेती करते हैं तो उसका लाइसेंस मिल जाएगा, जो मिट्टी है वो अच्छी जीवित हो जाएगी। लोग फर्टिलाइजर का इतना ज़्यादा यूज कर रहे हैं सर जी, इसकी कोई सीमा नहीं है जी। तो इसमें टोटल आप जैविक खेती कर रहे हैं? हाँ, जैविक खेती कर रहे हैं। अच्छा, तो लागत लगभग एक एकड़ में आपकी 80,000 रुपये आई है? हाँ, जो पौध की रोपण की थी वो मात्र 80,000 रुपये की आई है, और इसमें सर जी अगर हमारा कोई पौधा सूखता है तो वो दोबारा लगाएंगे, 3 साल में वो 12 फिट का करके हमको देंगे। अच्छा, तो 3 साल में लगभग कितनी आय हो जाएगी आपको? हमें इससे तो जो साइड में भूमि पड़ी है जो बीच में रो है, तो उसमें लगभग लगभग एक एकड़ में हमारा 12 क्विंटल GS10 मटर हुआ है, और वो मेड़ पे लगे हैं वो एक साइड लगे हैं, यानी कि चंदन के पेड़ जो आपने लगाए हैं ये कुल कितने साल में बड़े होंगे और कितना आपको मुनाफा देंगे? चंदन के पेड़ हैं, कुछ एक्सपर्ट हैं वो 10 से 12 साल बोलते हैं, कुछ 12 से 15 बोलते हैं जी। हमने तो 15 साल से या 20 साल के एवज में माना है जी। अब ये है, एक पेड़ की कीमत आज 5 लाख रुपए है जी, और जो कंडीशन 2017 में 2.5 लाख थी जी, वो इस समय डबल हो गई है जी। जितनी महंगाई दर बढ़ेगी उतनी चंदन की डिमांड ज्यादा होगी, जितना कॉस्मेटिक सामान बढ़ेगा उतना वो बढ़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि जब चंदन के पेड़ 15 से 20 साल में जब आपके खड़े हो जाएंगे, लगभग 1200 पेड़ आप बता रहे हैं, 1200 पेड़ आप लगाए? चंदन के पेड़ लगभग 300 हैं सफेद चंदन के, 100 पेड़ हैं लाल चंदन के, मतलब 400 पेड़ आपने चंदन के लगाए हैं, तो इनका अनुमानित मूल्य उस समय कितना हो जाएगा? अनुमानित मूल्य उस समय लगभग 12 करोड़ के आसपास हो जाएगा। 12 करोड़ के आसपास हो जाएगा। अच्छा, आप एक बुंदेलखंड की सूखी धरती में आपने एक नई खोज जो है अपनाई है, उसके लिए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को सजी, जो एक हमारी टीम है वो पीपल के बरगद के नदी किनारे जो बीज नीम के मिल जाते तो वो लगाते हैं, तो इसलिए हमने सबको मतलब ये किया, संदेश दिया कि सब लोग लगाएं पेड़। अब सबसे कठिनाई की ये बात है कि लोग मतलब पेड़ लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, परंतु उनकी देखरेख नहीं करते जी। देखरेख करनी चाहिए, अगर एक पेड़ लगाए तो उसकी फोटो 1 साल में जरूर अवश्य डालें कि हमने एक पेड़ लगाया था, ये सही है जी। ये नहीं है कि हमने 100 पेड़ लगा दिए और उनकी फोटो डाल दी और कोई लेना देना नहीं।